जय हिंद दोस्तों। बात करने वाले हैं आज BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती को लेकर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं और BSF भर्ती में जाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है, जो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि आपको किस प्रकार से इसका अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह ऑफलाइन वैकेंसी है, आपको ऑनलाइन यह वैकेंसी नहीं है बल्कि ऑफलाइन वैकेंसी है और आपको ऑफलाइन इस फार्म को अप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स, कैसे अप्लाई करना होगा सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आज देंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और आपको बता दें कि इसमें योग्यता जो है 10th 12th सभी छात्रों के लिए वैकेंसी निकल कर आया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और अभी जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन BSF रिक्रूटमेंट 2020 शॉर्ट नोटिस, जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यह वैकेंसी जारी किया गया है, जिसका यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम टोटल पोस्ट की सबसे पहले बात कर ले तो टोटल पोस्ट इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 317 टोटल पोस्ट है, यानी 317 पोस्ट इसमें टोटल निकाला गया है। और इसमें बात कर ले इसका अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो देखिए इसका अप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन होने वाला है, यानी ऑफलाइन इसका अप्लीकेशन फॉर्म होगा, ऑनलाइन या नहीं है। और अप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट हैव टू सबमिट द BSF रिक्रूटमेंट अप्लीकेशन फी थ्रू ऑफलाइन। तो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जो आपको रुपया लगने वाला है तो यहाँ पे 200 रुपया लगेगा इस पोस्ट के लिए, यानी SI मास्टर के लिए, SI वर्कशॉप और SI इंजन ड्राइवर के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो 200 लगेगा, और SC मास्टर और SC वर्कशॉप, SC इंजन ड्राइवर के लिए आपको 100 रुपया लगेगा। फ्रेंड्स, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर ले तो SI मास्टर के लिए जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 10+2 रखा जाएगा, और एज लिमिट जो होगा मिनिमम 22 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। ESI इंजन ड्राइवर की बात करें जो अभी आप यहां पे देख रहे हैं, तो इसके लिए भी 10+2 मांगा गया है और मिनिमम 22 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। और वर्कशॉप के लिए जो है मिनिमम एज 20 वर्ष मांगा गया है और मैक्सिमम 25 वर्ष, लेकिन वर्कशॉप के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए तभी जाकर आप इसको अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए, नहीं तो अगर आप 12th हैं तो आप इस दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ESI मास्टर और इंजन ड्राइवर के लिए। और SC मास्टर के लिए आप अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि 10th और 12th पास वाले के लिए वैकेंसी है, फिर अगर इसमें जो इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए भी इसमें भर्ती निकल कर आया है। और यहाँ पे इंजन ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th पास है और एज लिमिट मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष रखा गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर CT श्रीयू इसके लिए भी है, और मस्ट यानी कि यहाँ पर 7 से 8 पोस्ट निकाला गया है, अगर 10th 12th और इंजीनियर तीनों के लिए वैकेंसी निकल कर आया है। अगर आप CT क्रियू में आप जाना चाहते हैं तो 10th पास आपके पास होना चाहिए और एज लिमिट जो है मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष। अब फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि इस फॉर्म का अप्लाई डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका हम बता देते हैं आपको इसका कब से इसका ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो होगा 15 फरवरी 2020 से इसका ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा आपको, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा यानी आपको 30 दिन यानी जिस दिन से स्टार्ट होगा उसके 30 दिन पहले आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा, तभी जाकर आप एलिजिबल होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 डे फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो आप समझ गए होंगे, और 15 फरवरी 2020 से इसका ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसके वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं BSF.government.in पर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और
वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।